हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का है। आज हम लोग रूल्स को डिकम्पोज करने वाले हैं। रूल्स को बहुत बना लिया हमने, फॉर्म कर लिया रूल्स को, लेकिन अभी थोड़ा डिकम्पोज करने वाले हैं। लेकिन किन रूल्स को डिकम्पोज किया जाता है, ऐसा क्या नेचर होना चाहिए रूल्स का कि वो डिकम्पोजेबल के मतलब डिकम्पोज करने के लायक बने। ओके, तो उसके लिए हम लोग मोस्ट प्रोमिनेंटली कंपाउंड रूल्स को चुनते हैं। अभी कंपाउंड रूल्स कैसे बनते हैं कि जब हम लोग एन नंबर ऑफ आप जब सिंपल कैनोनिकल रूल्स को कंबाइन करते हो यूजिंग द कनेक्टिव्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स, जब आप उनको कंबाइन करते हो तो फिर जो आपका एक नया रूल बनता है उसे कहते हैं कंपाउंड रूल, बराबर। तो अभी इस कंपाउंड रूल को हम लोग एन नंबर ऑफ सिंपल कैनोनिकल रूल्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, और उसके लिए यहाँ पे चार मैथड्स हैं। इन चारों मैथड को एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो मैथड कहते हैं वो है भैया मल्टीपल कंजक्टिव एंटीसीडेंट। अब ये एंटीसीडेंट क्या होता है, कंसिक्वेंट क्या होता है, मैं बता चुका हूँ। इन अ गिवन रूल किसे आप एंटीसीडेंट कहोगे और किस पोर्शन को कंसीक्वेंट कहोगे, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अभी यहां पे कहने वाली बात ये है कि ये मेरा एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। अभी इसमें एंटीसीडेंट ये वाला पार्ट है और कंसीक्वेंट ये वाला पार्ट है, बराबर। तो यहां पे एंटीसीडेंट में मैं फोकस करूंगा, और वहां पे मल्टीपल क्या दर्शाता है कि यहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, a1 a2 a3 an, एक से ज्यादा आपको एंटीसीडेंट पार्ट में एक से ज्यादा एलिमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पे मैं कौन सी टेक्निक यूज करूंगा, कंजंक्टिव टेक्निक। रिमेंबर, जब भी कंजंक्टिव की बात की जाती है, कंजंक्टिव मतलब आपका ये वाला ऑपरेटर, ये वाला कनेक्टिव, ठीक है, ये वाला ऑपरेशन। कंजंक्टिव की जैसी बात की जाती है आप किसी भी हालत में एंड को कंसिडर करो, एंड को दिमाग में लाओ, और एंड को एक बार आपने दिमाग में ला लिया तो आपको आगे वाला स्टेप कौन सा लेना है कि वहां पे आपको इंटरसेक्शन डालना है, मतलब हर एक इस एलिमेंट के बीच में इंटरसेक्शन डालना है। इंटरसेक्शन डाल दिया तो एक और चीज दिमाग में लाओ कि मिनिमम हम लोग कंसिडर करते हैं, मिनिमम नॉट मैक्सिमम, मिनिमम कंसिडर करते हैं फॉर एवरी दिस मेंबरशिप वैल्यू ऑफ द ईच सेट ऑफ ईच सेट, ठीक है। तो अभी इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये तो बहुत ही रिपीटेटिव एंड बहुत ही लेंदी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसको थोड़ा सा श्रिंक अप करते हैं और एक ही एलिमेंट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज ए एम। तो मैंने क्या बोला था, कंजंक्टिव आ गया मतलब इंटरसेक्शन आ गया, तो सबके बीच में मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दिया है, बराबर। अभी इस पर्टिकुलर जो ये सेट है इसमें जो एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स की मैं कौन कौन सी, मतलब ये जो एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर सेट में होंगे इसकी मैं क्या मेंबरशिप वैल्यू लूं, तो वो मेंबरशिप वैल्यू कैसे लेंगे हम, मिनिमम कंसिडर करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कंजंक्टिव है तो इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन है तो मिनिमम लो, और मिनिमम क्या, इन सब मेंबरशिप वैल्यूज में से जो भी मिनिमम होगा वो वैल्यू हम लोग इस पर्टिकुलर एक्स को असाइन कर देंगे ऑफ द सेट ए एम, ऑफ द सेट ए एम। तो ये उसकी पर्टिकुलरली क्या हो जाएगी, मेंबरशिप वैल्यू हो जाएगी। और एक बार ये हम लोगों के पास सब कुछ आ गया तो हम लोग इस कंपाउंड स्टेटमेंट को, कंपाउंड रूल को कैसे राइट कर सकते हैं, या फिर यू कहूं रीराइट कर सकते हैं एज इन दिस फॉर्म, इफ ए एम देन बी एम। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमने थोड़ी बहुत घटा दी, और इफ ए एम देन बी एम, तो इन सारों को मैंने रिप्लेस किया बाय ए एम और यहां पे लिख दिया। सेम टेक्निक आप यूज कर सकते हो इन केस ऑफ द सेकंड वन, मल्टीपल डिसजंक्टिव एंटीसीडेंट। तो यहां पे फोकस भी आपका एंटीसीडेंट पे ही हो रहा है, एंड प्लस आपकी जो सेट्स है वो भी मल्टीपल ही है, एक से ज्यादा ही है, सिर्फ टेक्निक बदल गई है डिसजंक्टिव। पहले थी कंजंक्टिव, अभी है डिसजंक्टिव। तो डिसजंक्टिव का ऑपरेटर कुछ इस तरीके से होता है, तो जब आप डिसजंक्टिव की बात करते हो तो आपके दिमाग में और आना चाहिए, और जब भी और आता है तो यूनियन आना चाहिए, और यूनियन आता है तो मैक्स आना चाहिए, ओके। अब ये मैंने साइकिल या फिर सीरीज क्यों बताई, बिकॉज डिसजंक्टिव है तो और होना चाहिए, और मतलब क्या, एक्स इज ए वन और एक्स इज ए टू और एक्स इज ए थ्री और एक्स इज ए एन, तो यहां पे और आता है, ठीक है। एग्जाम्पल सेम ही कंसिडर करो इस टेक्निक के लिए, सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ऑरिंग आ गया, अब और आ गया मतलब यूनियन आ गया, बराबर। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह आपको रिप्लेस करना है बाय यूनियन, तो यहाँ पे यूनियन लग जाएगा, और फिर फाइनली ए एम तो सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लग जाएगा। यूनियन लग गया, उसके बाद मेंबरशिप वैल्यू कैसे दी जाए, तो यहाँ पे मीन क्यों था, बिकॉज यहाँ कंजक्टिव था, वहां पे कंजक्टिव था, लेकिन अभी डिसजंक्टिव में और आता है, और आता है तो यूनियन आता है, यूनियन आता है तो मैक्स हम लोगों को लेना पड़ता है। तो यहां पे मैं क्या लूंगा, मीन को हटा के मैक्स करूंगा, और ये बाकी सारी की सारी वैल्यू वैसी रहेंगी, सिर्फ फर्क इतना होगा कि जो रिजल्टेंट वैल्यू इसमें से निकल के आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी, और वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को असाइन हो जाएगी। दैट्स जस्ट द डिफरेंस। इन दोनों टेक्निक्स में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है,
खाली यहाँ पे डिसजंक्टिव है, यहाँ पे कंजंक्टिव है, तो उसको सिर्फ आपको इतना ही पता करना है कि यहाँ पे एंड लगेगा या फिर और लगेगा, यूनियन लगेगा या इंटरसेक्शन लगेगा, मिनिमम लगेगा या मैक्सिमम लगेगा, दैट्स इट। इतना अगर आपको पता चल गया तो इन दोनों मेथड्स का आपको नॉलेज हो गया है, दैट्स इट। और इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और आगे वाले दो तो और भी ईजी है, इनसे भी ज्यादा ईजी है, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में देख चुके हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। या कई कई बार आपके सामने कंडीशनल स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे कि ये वाला एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, जैसे कि इफ A1 देन B1 एल्स B2, मतलब इफ A1 ये ट्रू है, अगर A1 मेरा ट्रू है, कोई स्टेटमेंट अगर A1 मेरा ट्रू है तो वो भैया B2 एज अ कंक्लूजन को एक्सेप्ट करेगा, या फिर अगर A1 इज नॉट ट्रू तो वो B2 को एज अ कंक्लूजन सिलेक्ट करेगा, बराबर। तो अभी यहाँ पे मैं इस कंपाउंड स्टेटमेंट को कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, कैसे डिकम्पोज कर सकता हूँ, बाय यूजिंग एन और ऑपरेटर। तो यहाँ और कैसे यूज किया मैंने, पहले बोला कि इफ A1 देन B1, मतलब इफ A1 इज इन इट्स ट्रू फॉर्म तो मैं B1 को एज अ कंक्लूजन चुनूंगा, या फिर और लिया मैंने, और If not A1, मतलब A1 is not in its true form, तो मैं B2 को चुनूंगा, तो मैं किसे चुनूंगा, B2 को चुनूंगा। तो मैंने इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट को, या फिर यू कह सकते हो इस कंपाउंड रूल को, एज अ सिंपल टू कैनोनिकल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर डिवाइड डिकम्पोज कर दिया बाय यूजिंग दिस और, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो एक टेक्निक हो गई। एक और चीज होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, तो ठीक है, लेकिन जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है, यानी कि नेस्टेड कर दिया जाता है, तो फिर हम लोग इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। सी, नेस्टेड इफ देन रूल्स, ये चौथा टाइप है, नेस्टेड इफ देन रूल्स से कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल है यहां पे, इफ A1 देन, मतलब इफ A1 इज इन ट्रू फॉर्म देन, तो ये वाला स्टेटमेंट मुझे यहां पे नेस्टेड है, ये वाला स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को नेस्टेड है। तो नेस्टेड क्या कहता है, इफ A2 देन B1, मतलब कहने का मतलब यही है कि आप इसको अभी क्या कर सकते हो, एक सिंपल कैनोनिकल रूल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, बाय यूजिंग अ एंड ऑपरेटर। तो ये दिमाग में अभी बैठ जाना चाहिए कि जब भी हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी नेस्टेड इफ देन रूल्स होते हैं तो हम लोग वहां पे एंड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। तो एंड कैसे यूज किया, कि इफ A1 एंड A2, मतलब अगर A1 और A2 दोनों उनके ट्रू फॉर्म में है, then B1 is my conclusion। ओके, तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाए, उनके बीच में कौन सा ऐसा ऑपरेटर डाला जाए, लॉजिकल ऑपरेटर और डाला जाए या एंड डाला जाए, ताकि हम लोग इस कंपाउंड स्टेटमेंट को एक तरीके से सिंपल कैनोनिकल रूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका एक कंपाउंड रूल था, उसको मैंने दो कैनोनिकल रूल्स में डिकम्पोज किया बाय यूजिंग और ऑपरेटर, यहाँ पे मैंने और एंड ऑपरेटर यूज किया। इसी तरीके से यहाँ पे जो हम लोगों ने चार रूल्स यूज किए एंड चार मेथड्स को यहाँ पे समझा विद एग्जांपल, दीज वर नथिंग बट यूज फॉर decomposition of rules, specifically compound rules। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट काम, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके, मेरी मदद पहुंच सके। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।